स्थिति बन रही है। हंजू गैस के गोले छटे जा रहे हैं, ये तस्वीर असं अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप के कहानी बयान कर रही है कि किस तरीके हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत ज़्यादा इतने गैस इस समय नजर आ रही है, बहुत सारे हंजू गैस के गोले छटे गए हैं। ये तस्वीर जेकर मैं अपने दर्शकों को दिखा सकता इतने बिल्कुल हर पास बिल्कुल तुम कह सकते हो कि भीड़ बिल्कुल असं इतों निकलने की कोशिश करा कि अगे जा सकी। तो ये तस्वीर जरूर पहुंचा रहे हैं, तो जेकर अगे जा सकी। इतों निकलना मुश्किल हो जाए। ये न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, रिपोर्टिंग करने में भी दिक्कतें आ रही हैं, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों का दिल्ली चलो अभियान, इस बीच किसानों की मुखर आवाज, दूसरी तरफ पुलिस की तैयारी, सुरक्षा चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पूरी तैनाती है। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, आज की सबसे अहम तस्वीर आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल, यानी कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर तरीका अपनाया जा रहा है। और यहाँ पर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, किसान भागते हुए नजर आ रहे हैं, जो आम लोग हैं वो भी अपने आप को बचाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी जो मांगे हैं, दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान हो सकता है। कल जो बातचीत हुई है कुछ मांगे मानी गई है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ तो लोगों को जैम से दो चार होना पड़ रहा है, दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर न्यूज 18 की टीम अलग अलग इलाकों में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लेकिन जब स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ अराजक तत्व किसानों के साथ मौजूद है, जिनके पास जेसीबी भी है, लकड़ियां भी थी, हथियार भी थे, ऐसे में आप देखिए अफरा तफरी, लोगों को आप सुन सकते हैं कि यहाँ से निकलना बेहतर होगा, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, किसी को भी परेशानी ना हो, खासकर आम लोगों को परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। अभी आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है और ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई ये देखना होगा। लेकिन जो तस्वीरें यहाँ से निकल करके सामने आ रही है, आप देखिए, ये एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि जो अब किसान आंदोलन, जब कृषि कानूनों को वापस लिया गया था उस वक्त स्थिति अलग थी और अब स्थिति बिल्कुल अलग है। ये हम तस्वीर आपको इस वक्त ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आंसू गैस का पुलिस ने इस्तेमाल किया है। तो देखिए, न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर और सबसे अहम तस्वीर है आज के दिन की, शंभू बॉर्डर पंजाब से आप ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। देखिए अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि यहां पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, पुलिस की तैयारी पुख्ता थी। ये बात लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आंदोलनकारी किसान पहले भी जिस तरह से आंदोलन करते रहे हैं उसी से सीख लेकर इस बार पुलिस ने अपनी तैयारी पुख्ता की थी, डबल ट्रिपल की थी, और पहले से यह तय था कि अगर टकराव की स्थिति होती है, अगर वहां हंगामा करने की कोशिश होती है, तो यहां आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। इसके लिए पहले ही मॉक ड्रिल की गई थी। तो शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख पा रहे हैं। यहां आंसू गैस के गोले दागे गए हैं किसानों को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि बड़ी तादाद में किसान पंजाब से निकल चुके हैं और सीधे उन्होंने कहा कि बात हम कर रहे हैं लेकिन उससे बातचीत बनती हुई दिख नहीं रही, और ये आंदोलन का तरीका है हमारा, तैयारी पुख्ता की गई। हमने आपको ट्रैक्टर्स की तस्वीरें दिखाई जो मॉडिफाई किए गए हैं, यानी इस बार किसान भी ज्यादा तैयारी के साथ आए थे। तस्वीरें आपने वो भी देखी जहां पर वो राशन लेकर पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, हम तो 6 महीने की तैयारी करके आए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर दिल्ली कूच का नारा दिया, जिसके लिए तैयारी दोनों तरफ से की गई, किसानों ने भी अपनी बात रखने के लिए पुख्ता तैयारी की, तो दूसरी तरफ पुलिस की भी तैयारी देखिए, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, बैरिकेड्स लगा दी गई, सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई, लोहे की रॉड्स वहां लगाई गई, कटीली तारें लगाई गई, लेकिन उन सबसे निपटने की तैयारी किसान भी करके आए थे। लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर पंजाब से लाइव तस्वीरें मिल रही हैं, जहां टकराव की स्थिति देखने को मिली और हंगामा किसानों की तरफ से, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। आपको शंभू बॉर्डर की वो पुरानी तस्वीर भी याद होगी, जब घग्गर नदी के ऊपर जो पुल है वहां से बैरिकेड्स को उठाकर किसानों ने पिछले आंदोलन में नीचे फेंक दिया था, और इसलिए इस बार पहले से ही
पुलिस सुरक्षा बल अलर्ट है और उनकी तरफ से तैयारी पुख्ता कर ली गई थी कि ऐसी कोई स्थिति हम बनने नहीं देंगे। किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली के अंदर एंटर करने से रोकने के लिए तैयारी पुख्ता सभी बॉर्डर्स पर की गई थी और उसकी एक वानगी आप फिलहाल देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। शंभू बॉर्डर पर यहां लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसानों को तितर बितर करने के लिए बड़ी तादाद में किसान पंजाब से निकल चुके हैं और उसके बाद स्थिति से निपटने के लिए यहां पर आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान भी हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी उनकी तरफ से हो रही है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर यही हालात तमाम बॉर्डर्स पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ परेशान हो रहे हैं आम लोग। हालांकि किसानों की मांग एमएसपी को लेकर है कि आप कानूनी अमली जमा एमएसपी को पहनाइए, लेकिन इस पर फिलहाल बात नहीं बन रही है। सरकार लगातार यही कह रही है कि आगे बातचीत के जरिए ही इसका हल निकलेगा, लेकिन ये आंदोलन है किसानों का। पहले भी इसकी वानगी आपने देखी साल 2020-21 में जब किसानों ने तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए थे और वैसी तस्वीर दोबारा ना निकले इसके लिए पुख्ता तैयारी। और फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता चमन पलानिया फोन लाइन पर मौजूद है। चमन, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? जी जसप्रीत, देखिए जिस तरह से जो किसानों का जो आज दिल्ली कूच का जो आह्वान था, जो किसान थे वो फतेहगढ़ साहिब से सवेरे 10 बजे के करीब जो थे वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे और जो पंजाब और हरियाणा का जो फर्स्ट जो बैरिगेटिंग है शंभू बॉर्डर, वहाँ पर जो है ये फिलहाल जो है हरियाणा पुलिस की ओर से जो बैरिगेटिंग की गई थी, वहीं से जो है हरियाणा पुलिस की ओर से जो है ये जो किसान वहाँ पर जो है काफ़ी संख्या पर जो है वो इकट्ठा होना जो है हो चुके थे और कुछ किसानों ने जो थे वो बैरिगेटिंग पर जो थे वहां पर चढ़े हुए थे और लगातार जो थे कुछ किसानों की ओर से बैरिगेटिंग जो छोटी बैरिगेटिंग कर रखी थी उसको जो थे वहां से निकाल रहे थे और उसी की कार्रवाई में जो है हरियाणा पुलिस की ओर से जो है वो अभी जो है आंसू गैस के जो गोले जो है वो उनके ऊपर छोड़े गए हैं और ताकि वहां से जो कुछ किसान जो वहां पर इकट्ठे हुए थे उन्हें जो है वहां से तितर बितर किया जाए। लेकिन अभी जो स्थिति जो वहां पर अभी जो बनी हुई है वहां पर जो है अफरा तफरी का पूरा माहौल बना हुआ है और आंसू गैस के जो गोले हैं वो जो किसान वहां पर आते हैं वो बैरिकेटिंग तोड़ते हैं जो हरियाणा पुलिस की तरफ से लगाई गई थी। संदेश साफ है कि अगर आप कानून को हाथ में लोगे तो फिर अंजाम यही होगा। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, ये न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर ये आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और ये आप तस्वीरें देख लीजिए जहां पर किसानों का आंदोलन है और अब पुलिस की कार्रवाई। चमन हमारे सहयोगी लगातार बने हैं, दोबारा से उनका रुख करेंगे। चमन, पिछली बार भी हमने देखा था कैसे शंभू बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहां पर टकराव की स्थिति बनी थी, बैरिकेड्स को उठाकर नदी के नीचे वहां फेंक दिया गया था। इस बार पूरी तैयारी है, न सिर्फ बैरिकेड्स वहां पर डबल ट्रिपल किए गए हैं बल्कि नीचे जो नदी का रास्ता है उसे भी बंद कर दिया गया ताकि किसान उस रास्ते भी ना जा सके। जी देखिए, पिछली बार भी जो किसानों का जो इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन की वो भी यहीं से स्टार्ट हुई थी क्योंकि यही वो शंभू बॉर्डर है, ये इसी के जरिए जो सबसे पहले जो किसानों ने जो था पिछली बार जो बैरिगेटिंग तोड़कर जो था वो हरियाणा में एंटर हुए थे और उसके बाद जो था उन्हें दिल्ली के जो सिंघू